एशिया कप का महामुकाबला 2023 का शुरुआत हो चुका है। जो इसे महामुकाबला क्यों माना जा रहा है, क्योंकि दोस्तों इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो मैच होता है ना, उसको ऐसे नॉर्मल मैच नहीं माना जाता है। ये दो देशों के बीच का मैच माना जाता है। दो जैसे इंडिया पाकिस्तान की जंग होती है उसको माना जाता है। इतना बड़ा क्रेज होता है इंडिया प्रेम, हर बंदा इस मैच को देखता है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का ऐसा ही कुछ है। तो आप देख सकते हो एशिया कप का महामुकाबला इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का बीच होने वाला है। तो मैच की इन्फॉर्मेशन बात करें तो इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एशिया कप का मैच होने वाला है। डेट की बात करें ना दोस्तों, 2 सितंबर 2023 को सैटरडे का दिन यानी शनिवार को दिन खेला जाएगा। कैप्टन की बात करें तो रोहित शर्मा इंडिया के कैप्टन रहेंगे, बाबर आजम पाकिस्तान के। वही स्टेडियम वेन्यू की बात करें तो दोस्तों पालकेले इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम पालकेले में खेला जाएगा। मैच टाइम की बात करें तो यह दोपहर 3 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। टॉस की बात करें तो 2:30 बजे से स्टार्ट हो जाएगा। लाइव स्ट्रीमिंग आप इस मैच को कहाँ देखते हो, आप स्टार स्पोर्ट नेटवर्क, डिजनी प्लस, हॉटस्टार पर, दो जगह पर आप इसको लाइव स्ट्रीम देख सकते हो। और यहाँ पर पिच रिपोर्ट की बात करें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच की जो पिच रिपोर्ट की बात करें, पलके ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में एक तटीय विकेट प्रदान करता है, जहाँ दोनों विभागों की सतह अच्छी मात्रा में सहायता प्राप्त होगी। उम्मीद है इस ट्रैक पर बीच के ओवरों में स्पिनर का पलड़ा भारी रहेगा। पहली पारी औसत की बात स्कोर की बात करें, इस विकेट पर पहली पारी का औसत स्कोर 240 रन का रहा है, यानी कि इसकी फर्स्ट पारी का स्कोर 240 का रहा है। यहाँ पर पीछा करने वाली टीम का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है। दूसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने वाली टीम का नाम यह शानदार रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने इस मैदान पर 60% जीत बरकरार रखी है। फिर टॉस जीत के जो टीम पहले गेंदबाजी करेगी वो जीतने की काफ़ी हद से संभावना मानी जा रही है। अब इंडिया पाकिस्तान के जो मैच के इसके चोट अपडेट के बारे में, तो केएल राहुल यहाँ पे 2 मैचों के लिए अनुपलब्ध रहेंगे, क्योंकि उनके चोट के कारण वो 2 मैचों में नहीं खेल पाएंगे। आइए दोनों बात करेंगे दोस्तों इंडिया वर्सेज पाकिस्तान की प्लेइंग 11 कैसे रहेगी। तो सबसे पहले भारत की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो रोहित शर्मा यहाँ पर कैप्टन रहेंगे, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन, रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या, कुलदीप यादव, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह। भाई पाकिस्तान के अंदर फखर जाफ़रान, इमाम उल हक, बाबर आजम कप्तान रहेंगे, मोहम्मद रिजवान विकेट कीपर है, इत्तेफाक अहमद आगा, सलमान सादा खान, मोहम्मद नवाज, नसीम शाह, साहिन शाह अफरीदी, हारिस सूप, इनकी प्लेइंग 11 रहेगी। अब दोस्तों इन सबसे पहले इंडिया की प्लेइंग 11 के बारे में बात की जाए, कौन सा प्लेयर कितना परफॉर्मेंस दे चुका है। तो हम यहाँ से सबसे पहले बात करेंगे कप्तान रोहित शर्मा की, जो यहाँ पे काफ़ी उन्होंने 22 इनिंग में 745 रन बनाए, एवरेज 48.69 के एवरेज से। वही इनका बेस्ट स्कोर 264 का रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें 227-60-236 इसका रिसेंट फॉर्म रहा है। यहाँ पे विराट कोहली की बात करेंगे, यहाँ पे विराट कोहली ने 11 ODI में 613 रन बनाए, 61.3 की एवरेज से। वही बेस्ट स्कोर इनका 183 का रहा है। यहाँ पे श्रेयस अय्यर की बात करेंगे, श्रेयस अय्यर ने 20 ODI में 805 रन, एवरेज स्कोर की बात करें तो 47.35 की एवरेज, बेस्ट स्कोर इनका 128 का रहा है। भाई शुभमन गिल की बात करेंगे, 227 मैचों में 1437 रन बनाए गए, एवरेज स्कोर की बात करें तो 62.47 की, और इनका स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है। इनका स्ट्राइक रेट 104.05 रहा है, बेस्ट स्कोर इनका 130 का रहा है। रिसेंट फॉर्म की बात करें तो 85/34 का रिसेंट इनका फॉर्म रहा है। वही तिलक वर्मा की बात करें दोस्तों, तिलक वर्मा की बात करें तो तिलक वर्मा इस ODI में खेलते हुए नजर आएंगे केएल राहुल की जगह, तो इनका 25 ODI में 1236 रन बनाए। वही एवरेज स्कोर की बात करें 58.18 की रहा है। वही बेस्ट स्कोर इनका 75 है, रिसेंट फॉर्म अभी इनका है नहीं। मैं केएल राहुल अभी इस चोट के बाहर अभी खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे, तो इनका भी इनकी जगह तिलक वर्मा खेलते हैं। ईशान किशन की बात करें दोस्तों, 3 ODI में 184 रन बनाए, एवरेज स्कोर की बात करें 61.63 का, बेस्ट स्कोर की बात करें तो 77 यानी रिसेट फॉर्म की बात करें दोस्तों 52-55-57 रन का रिसेट फॉर्म रहा है। सूर्य कुमार यादव की बात करें दोस्तों, 26 मैचों में 511 रन, एवरेज इतना इनका अच्छा 24 करा है, और बेस्ट स्कोर इनका 26 दो, तो आप देख सकते हो 26 मैचों में 511 रन, इतना कुछ है नहीं। अपने ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, 77 मैचों में 1666 रन बनाए, एवरेज 33.32 का रहा है, स्ट्राइक रेट की
स्ट्राइक रेट की बात करें तो 112.03 का रहा है, बेस्ट को इनका नंबर रहा है, मैच 72 मैचों में 73 विकेट लिया। एक और में बात करें तो 5.59 का रहा है, एक कुलदीप यादव यहाँ पे 11 मैचों में 22 विकेट लिया है। इकोनॉमिक बात करें तो 8.66 की है, बेस्ट उनका रहा है 32 रन देके 2 विकेट, ये उनका इकोनॉमी रहा है। वही जसप्रीत बुमराह की बात करें 202 मैचों में 4 विकेट लिया है। एवरेज स्कोर की बात करें 9.75 पर रहा, इकोनॉमी 7.56 का रहा है, बेस्ट इनका रहा 16 रन देके 4 विकेट। वही अपने मोहम्मद शमी की बात करें दोस्तों, तो यहाँ मोहम्मद शमी 90 मैचों में 162 विकेट, एवरेज स्कोर की बात करें तो 8.94 रहा है, इकोनॉमी की बात करें तो 5.60 का रहा है, बेस्ट इनका रहा है 34 रन लेके 5 विकेट। तो दोस्तों हम बात करेंगे ड्रीम इलेवन के प्रोडक्शन के बारे में, तो दोस्तों ड्रीम इलेवन के प्रोडक्शन के बारे में जानेंगे, तब आपको दिखा दिया ड्रीम इलेवन आप टीम कैसे बना सकते हो। ड्रीम इलेवन टीम बनाने के लिए आपको यहाँ पे ड्रीम इलेवन बनाना, जो फर्स्ट रैंक वाली टीम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट रैंक टीम ना देखो दोस्तों, केएल राहुल अभी 11 है, विकेट सेक्शन में आपको मोहम्मद रिजवान एंड ईशान किशन में से एक को ट्राई करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे ईशान किशन केएल राहुल अभी है नहीं, तो यहाँ पे मोहम्मद रिजवान ईशान किशन दोनों में से एक है, तो आप यहाँ से मोहम्मद रिजवान भी यहाँ से विकेट सेक्शन में ले सकते हैं। यहाँ से रोहित शर्मा विराट कोहली, दोस्तों रोहित शर्मा विराट कोहली काफ़ी अच्छी पिक रह सकती है इस मैच में, ये दो ऐसे प्लेयर है जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पसंद करते हैं, तो दोस्तों आप इनको इनको आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि ये पाकिस्तान के अगेंस्ट दोनों प्लेयर काफ़ी अच्छे फॉर्म में रहते हैं, आप इनको अपनी टीम में ज़रूर ट्राई करें। और यहाँ से बाबर आजम, दोस्तों बाबर आजम भी पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलना पसंद करते। अब दोस्तों बात मैं ऐसे करता हूँ कि आप सीरियस अय्यर को क्यों ड्रॉप करें, मैं दो प्लेयर के बारे में बोला हूँ, दो प्लेयर में से आप सीरियस अय्यर को ड्रॉप कर सकते, क्योंकि दोस्तों अभी बंदा चोट से आया है और काफ़ी आया है, अभी इनका फॉर्म इतना अच्छा खासा है रहा नहीं, तो आप यहाँ से श्रेयस अय्यर को ड्रॉप करके आप सुमन गिल को ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, और सूर्य कुमार यादव इतना खास कुछ है नहीं इनका परफॉर्मेंस, आप यहाँ से श्रेयस अय्यर को ले सकते हो या नहीं सूर्य अय्यर को ड्रॉप करते हो और सूर्य कुमार यादव दोनों, क्योंकि दोस्तों दोनों का फॉर्म अच्छा है नहीं पाकिस्तान अगेंस्ट, तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि पाकिस्तान के तेज गेंदबाजों को काफ़ी आदत से मिलेगी और यहाँ से इनका विकेट जल्दी जा सकते हैं, तो आप इनको ड्रॉप कर दे सूर्य कुमार यादव और सूर्य को दोनों को। अब भाई ऑलराउंड सेक्शन में बात करें दोस्तों, तो ऑलराउंड सेक्शन में रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या और एम नवाज तीनों बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अब बात करेंगे पाकिस्तान के जो दो मेन बॉलर है, वो पाकिस्तान के में से एक बॉलर चलेगा दोस्तों, आप इनमें से इंडिया की तरफ से जसप्रीत बुमराह को और यहाँ से साइंस आफरीदी हारूक को, दोस्तों साइंस आफरीदी हारूक पाकिस्तान की वो कमान है जो इंडिया को तहस नहस करने में, लेकिन दोस्तों साइंस आफरीदी का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा है आरहूक की जगह, तो आप यहाँ आरहूक को ड्रॉप कर सकते हो और यहाँ से मोहम्मद शमी को, ये दोस्तों आपकी टीम है, क्योंकि दोस्तों आरहूक का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है इंडिया के अगेंस्ट, तो आप इसको ड्रॉप करते हो, ठीक है दोस्तों। अब कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें, इससे पहले अपना 1,00,000 रुपये का फ्री गिवे का क्वेश्चन आता दोस्तों, इस मैच में सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेयर विकेट लेगा, तो आप इस आपको बताना है इस मैच में सबसे ज़्यादा कौन सा प्लेयर विकेट लेगा, कौन सा गेंदबाज विकेट लेगा, तो आपको कमेंट में आंसर देना है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, मेरा चैनल का नाम एंड उसके आगे लिख देना आपको जिस प्लेयर हैशटैग लगा के उस बॉलर का नाम जो इस मैच में सबसे ज़्यादा विकेट लेगा कमेंट में। अब दोस्तों बात करेंगे यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन की, जैसे ही आपका आंसर करेक्ट होगा, जैसे मैच विन हो मैच खत्म होगा, उसके 5 रुपये आपके अकाउंट में पैसे डाल दिए जाएंगे। अब दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो यहाँ से मैं विराट कोहली कैप्टन बनाऊंगा दोस्तों, क्योंकि काफ़ी अच्छी और यहाँ से वाइस कैप्टन साइंस अफरीदी का, क्योंकि दोस्तों ये काफ़ी अच्छी फॉर्म में है, विराट कोहली पाकिस्तान के अगेंस्ट खेलता है और इसके आगे सारे बल्लेबाज छिड़के पड़ जाते हैं, क्योंकि इनको ये काफ़ी आउट कर देता है, और कैप्टन को इस कैप्टन को ट्राई कर सकते हो इस। अब यार दोस्तों मैं आपको टीम सेव करके दिखा देता हूँ, ये मेरी ये टीम है अभी पाकिस्तान के अगेंस्ट,
दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन आप कैप्टन विराट कोहली और वाइस कैप्टन आप शाहिन अफरीदी को रख सकते हो। काफ़ी अच्छी चॉइस है, आप इसको ट्राई करो ग्रेनली। और बाकी जो मेरी फाइनल टीम होगी ना, जिसमें एक दो प्लेयर में चेंज करूँगा, वो मेरे टेलीग्राम पे दे दूँ, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कमेंट में दे रखा है, तो वहाँ से ज़रूर ज्वाइन हो जाना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो।